पता नहीं मैं पसंद आऊंगी भी कि नहीं, और अगर पसंद ना आई तो लोग क्या कहेंगे, और अगर पसंद आ गई तो पता नहीं ये लोग कैसे होंगे, लड़का कैसा होगा। बेटा रिश्ता देखने वाले आ गए हैं, थोड़ी देर तक ना चाय पानी लेके आ जाना। अच्छा अबू जी। आपको एड्रेस ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं। ये मेरे शोहर हैं और ये मेरा भाई है जिसके रिश्ते के लिए हम आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी दो बेटियां हैं, एक की शादी कर दी हमने, अब छोटी की हमने शादी करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई हम भी एक खूबसूरत सी दुल्हन ढूंढ रहे हैं अपने भाई के लिए, आफ्टर ऑल मेरा भाई बैंक मैनेजर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी बेटी खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी है। भाई पढ़ी लिखी चाहे ना भी हो कोई बात नहीं, बस मेरे भाई का ख्याल रखने वाली हो, इसकी बात माने, अपना घर संभालने वाली हो। जी जी, हमारी बेटी घर के सब काम कर लेती है। हाँ जी, पूरा घर संभाला हुआ है जी उसने, बस थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरे भाई में भी ना एक छोटी सी बुराई है, बड़ी जल्दी दूसरों का इतबार कर लेता है। ये है जी मेरी बेटी नादिया। भाई आपको तो पता है कि आजकल का मॉडर्न जमाना है, इसीलिए हम लड़के को साथ लेके आए हैं कि भाई अगर लड़की लड़के ने कोई एक दूसरे से बात करनी हो तो कर लें। आप लोगों को कोई इतराज तो नहीं? नहीं नहीं, हमें कोई इतराज नहीं। इमरान भाई अगर आपने कुछ पूछना है उससे तो चले जाएं, पूछ सकते हैं आप, बात कर लें। जाओ जाओ बेटा साथ जाओ, तुम भी कुछ पूछ लेना। काफी खूबसूरत हो आप। थैंक्स। तो मुझे कुछ पूछना था आपसे, जरा तल्ख है। जी जी पूछिए, सब पूछते हैं। ये कहना चाहता था कि क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन किया है। गुड। तो कॉलेज में दोस्त वगैरह तो होंगे? नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। गुड, नहीं पसंद। ना आपके जो पापा हैं वो जहेज तो काफी देंगे ना आपको? जहेज? जहेज का कुछ कंफर्म नहीं बता सकती, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ तो देंगे। देना चाहिए, सभी देते। और क्या पूछना था? मैं एक काम करती हूँ, अपने बचपन से लेके अपनी जवानी तक की सारी हिस्ट्री आपको अभी बता देती हूँ, और अगर मेरी बातों पे बिलीव ना हो ना तो मैं किसी की गवाही भी डलवा देती हूँ। चले। आपका अपना है? अपना नहीं है जी, किराए का है। अच्छा अच्छा। वैसे आजकल की लड़कियों को तो बड़ा शौक होता है सजने सवरने का, पहनने का, लेकिन इसका पहनावा देख के तो मुझे नहीं लगता इसे कुछ शौक है कपड़े शपड़े पहनने का, तैयार श्यार होने का। मेरी बेटी बड़ी सादी सी है जी। अच्छा अच्छा।
और वैसे मैंने चलते फिरते देखा है इसे, मुझे नहीं लगता ये हील पहन के तो चल लेगी मेरे भाई के साथ, जचनी नहीं है ये, क्यों जी? आफ्टर ऑल मेरा भाई बैंक मैनेजर है। बहन, चाय और समोसा खाने से पहले आपको मुझे देख लेना चाहिए था, हमारे घर आने से पहले हमारे बारे में किसी से पूछ लेना चाहिए था। हमारा घर अपना है या रेंट का? कौन लोग हो आप? आप जैसे हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं रिश्ता देखने जाते हैं, और वो बेचारी लड़की खुदा से दुआ मांग रही होती है, नर्वस होती है, उसका जिस्म कांप रहा होता है। और आप लोग ऐसे देखते हैं जैसे मंडी में भेड़ बकरियों को खरीदने आए हैं। एक बार नहीं, अरे 10 बार ना रिश्ता करो। लड़की को किसी बहाने से भी देखा जा सकता है, जब तक पसंद ना आ जाए रिश्ते की बात नहीं किया करते। वो भी लड़की होती है, कोई फरिश्ता नहीं, ना ही कोई परी होती है। क्या करूं मैं ऐसा जो मैं आपके मैनेजर भाई के म्यार तक आ जाऊं? मुझे बात करना नहीं आता, मुझे चलना फिरना नहीं आता, या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं जबकि मैं यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट रह चुकी हूं। खुदा का वास्ता है, गरीब लोगों की बच्चियों का तमाशा बनाना छोड़ दें। आप लोगों को ऐप सिर्फ गरीब की बच्ची में ही नजर आते हैं। अमीर घर की बच्ची 20 तोले सोना और एक गाड़ी दे दे तो आप उनकी लंगड़ी लड़की से भी रिश्ता जोड़ लेते हैं। आपके भाई में भी तो ऐब होंगे ना, उसकी एक नौकरी की वजह से आप उसके 100 ऐप पे पर्दा डाल रही हैं। जाओ बहन, अपने भाई के म्यार की लड़की ढूंढो। खुदारा अपने चांद से बेटों के लिए परियां जरूर ढूंढें, लेकिन किसी बहन बेटी पर ऐब लगाकर नहीं, किसी की आ लेकर नहीं, किसी की बददुआ लेकर नहीं। गरीब और अच्छी लड़कियों को अपनाओ ताकि आपके सबब किसी मासूम की जिंदगी ही संवर जाए। अल्लाह पाक सब बहन बेटियों के नसीब उसकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत लिख दे। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, हमें फॉलो करके हमें सपोर्ट करें। Thank you.